बेटी जिंदाबाद संतूर होटल एम्प्लॉयज यूनियन जिंदाबाद संतूर होटल एम्प्लॉयज यूनियन जिंदाबाद हमारी नौकरियां बहाल करो हमारी नौकरियां बहाल करो हमारी नौकरियां आवाज दो हमेंगे आवाज दो हमेंगे एम्प्लॉयज जॉइंट एक्शन कमेटी जिंदाबाद एम्प्लॉयज जॉइंट एक्शन कमेटी जिंदाबाद हमारी नौकरियां बहाल करो हमारी नौकरियां बहाल करो हमारी नौकरियां बहाल करो आवाज दो हमेंगे आवाज दो हमेंगे आवाज दो भाई साहब आज इस प्रोटेस्ट के हवाले से बताइए। जैसा कि आप जानते हैं पिछले दो हफ्ते से ज्यादा वक्त हो गया है कि संतूर होटल जम्मू कश्मीर सरकार ने वापस टेकअप किया है। उसके साथ वो अच्छा इकदाम है, किस तरह वो चलाए कैसे चलाए कौन चले उसमें कोई एतराज नहीं, लेकिन हमारे 160 मुलाजमिन हैं वहाँ जो रेगुलर बेसिस पर काम कर रहे थे सिंस लॉन्ग और एट द वर्ज ऑफ रिटायरमेंट भी आधे हैं, उनको निकाला गया बिला वजह, कोई उनका कसूर नहीं, कोई उन्होंने जाति नहीं, कोई गलत नहीं किया, होटल इस तरफ तक अच्छी तरह से चलाया कि अगर सरकार ने लिया है तो 160 मुलाजमिन इनको होटल को चलाना तो चलाने हैं, ये भी इनको भी अकोमोडेट किए, इनको भी उसी तरह चलाइए। ये जुल्म है, सरासर जाति है, सरासर नाइंसाफी है, ये बेरोजगार किए गए हैं इस एज में, इस वक्त क्या करेंगे कहां जाएंगे, इनका रहन सहन स्कूलिंग अपना दिन भर का गुजारा कैसा चलेगा। लिहाजा मैं आपके माध्यम से सरकार से अपील करता हूँ, खुशन अपने वर्दी चीफ सेक्रेटरी मोहतरम डॉक्टर अरुण कुमार माता साहब से अपील करना चाहता हूँ कि उन्होंने फरवरी में हमारे साथ 3 मीटिंग अगर की है, उन्होंने मान लिया है, वो देख लिया ये कौन नीचे ये कौन कैसा कौन कर रहा है ऐसी कार्रवाई कि इनको इनको रोजगार बेदखल किया जा रहा है, रोजगार से बेदखल किया जा रहा है, ये जाति है नाइंसाफी है। लिहाजा आज इजेक्ट ने पुरअमन प्रोटेस्ट यहाँ इनके हमायत में किया है और हम सरकार से बावर करना चाहते हैं कि यह मसला हल कीजिए, हमें शौक नहीं है यहाँ आने का, जिंदाबाद मुर्दाबाद करने का या एक जलसा जुलूस निकालने का, वक्त आएगा अगर यह मसला हल नहीं होगा तो हम जरूर सड़क पर आएंगे अपना आलायाल समेत, क्योंकि यह जेन्युइन मसला है। ये सिनिस लॉन्ग ईजे के कॉन्स्टेंट रहे हैं, इन्होंने मुलाजमिन के हित के लिए मुलाजमिन के मसाइल के लिए इन्होंने बहुत सी कुर्बानियां दी है, लिहाजा हमारा फर्ज बनता है हम भी इनको सर्रा नहीं छोड़ेंगे, जम्मू कश्मीर के जुमला मुलाजमिन कयादत तमाम मुलाजमिन इनके मसाइल के लिए इनके साथ शाना बशाना है। आप कौन साहबान और क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? फारूक अहमद भट्ट है, सेंटूर होटल मुलाजमिन का एक रिप्रेजेंटेटिव हूँ। देखिए मैं एक बात बता देना चाहता हूँ यहाँ पे, ये एक पूरी जैसे कि सबको पता है कि एक जस्टिफाइड काज है, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ने इसका टेक ओवर किया है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ उनकी क्या पॉलिसी, हमें इसके साथ कुछ नहीं करना है। साहब हमारी रिक्वेस्ट ये है कि हमारा यूनिट जो है इसको हमें वापस दे दीजिए सर, हमारी मुलाजमत को बहाल कीजिए सर। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई प्लान है, कोई प्लानिंग चल रही है, तो मुलाजमिन को क्यों ग्रिल किया जा रहा है? आपको जैसे मैं बता दूं कि 160 एम्प्लॉयज है, मीन्स 160 फैमिलीज है, हजारों की तादाद से इसमें इफेक्ट हो रहे हैं पीपल। मैं कहता हूँ कि यही कि साहब आगे आइए, गवर्नर साहब आगे आइए, इसमें इंटरेस्ट ले लीजिए और हमारी जो जॉब है उसको सेफ गार्ड कीजिए। थैंक यू सर।